पत्तियों से उगाए हुए पान के पौधे। पान का पौधा एक पत्ती की सहायता से उगाया जा सकता है। बरसात के मौसम में लगाई हुई पत्तियों में रूट्स जल्दी आ जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेह। पान की बेल कटिंग की सहायता से लगाई जाती है। कटिंग्स नहीं मिलने पर पान की बेल पत्तियों को लगाकर तैयार की जा सकती है। पौधा उगाने के लिए पान की बेल में से 4-5 पत्तियां ली हैं। पान की पत्ती सब्जी मार्केट में या पान की दुकान पर मिल जाती है। हेल्दी पत्तियां लेकर पौधे उगाए जा सकते हैं। ये पौधे पत्तियों से उगाए हुए हैं। रूट्स निकलने के लिए पत्तियों को पहले सैंड में लगाया था। वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था। पत्तियों को मैंने कैसे लगाया था जानने के लिए आप पहले का वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में आप देखेंगे पौधों के ग्रोथ के लिए पत्तियों को रूट्स के साथ सैंड से निकालकर सोयल में कैसे लगाया है। ये पौधे मैंने पान की पत्तियों से उगाए हैं। घर के आसपास या किसी के यहाँ पौधा लगा हुआ है पत्तियाँ ली जा सकती हैं। ताजी पत्तियाँ खरीद कर भी लगाई जा सकती हैं। पान की बेल मेरे यहाँ लगी हुई है। पौधा उगाने के लिए पत्तियों को बारिश के मौसम में मोटी वाली रेत में लगाया था। पत्तियों को लगाने के लिए प्लास्टिक का छोटा डब्बा लिया था। रेत की जगह पर कोकोपीट ली जा सकती है। रेत में या कोकोपीट में लगाने से नमी बनी रहती है, रूट्स जल्दी निकलती हैं। 20-25 दिन में रूट्स बननी शुरू हो गई। 3-4 महीने बाद प्लास्टिक में से दिखाई देने लगी। कुछ दिनों में रूट्स नीचे होल में से बाहर निकलने लगी। पौधा तैयार करने के लिए पत्तियों को रूट्स के साथ सैंड से निकालकर सोयल में लगाना जरूरी है। पौधे की ग्रोथ के लिए, हेल्दी होने के लिए न्यूट्रिशन सोयल से मिलती है। पत्तियों को एक एक करके निकालेंगे। रूट्स नाजुक हैं, टूट सकती हैं। एक पत्ती को बाहर निकाल लिया है, रूट्स बन गई हैं। पत्ती हेल्दी है, कहीं से भी खराब नहीं हुई है। दूसरी पत्ती को निकाल लिया है, रूट्स इसमें भी बन गई हैं। एक और पत्ती की रूट्स बाहर निकल आई है। लंबी हो जाने से दो पत्तियों की रूट्स आपस में मिल गई है। सॉयल में लगाने के लिए दोनों पत्तियों की रूट्स को अलग कर लिया है। रूट्स टूटी नहीं है, हेल्दी हैं। पत्तियां लग जाएंगी, पौधे तैयार हो जाएंगे। ये पत्ती ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसमें मोटी रूट्स बनी हैं, सबसे हेल्दी है। रेत में से निकालते समय रूट्स टूटनी नहीं चाहिए। टूट जाने से पत्तियां सूख सकती हैं, पौधे तैयार नहीं होंगे। एक पत्ती में रूट्स नहीं बनी है, ये पत्ती छोटी थी।
पत्तियों को लगाने के लिए पान की बेल में से पुरानी और बड़ी पत्तियां लेनी चाहिए। नई और छोटी पत्तियों में रूट्स नहीं निकल पाती। पान की ये 5 पत्तियां हैं जिन्हें मैंने लगाया था। कुछ पत्तियां बड़ी कुछ छोटी थी, इस स्टेम के साथ थी। शॉप से लेना है, हेल्दी पत्तियां देख कर लेंगे। पत्तियां सड़ी गली या कटी हुई नहीं होनी चाहिए। पत्तियों में स्टेम पूरी होनी चाहिए। पत्तियों से पौधा उगाने में ज़्यादा समय लगता है। पहले रूट्स बनती हैं, नई ग्रोथ होने के बाद पत्तियां निकलने में 5-6 महीने लग जाते हैं। पत्तियों को सैंड से बाहर निकाल लिया है। रूट्स को टूटने से बचाने के लिए पत्तियों को निकालने से पहले रेत में पानी डाल दिया था। पत्तियां रूट्स के साथ बाहर निकल आई हैं, रूट्स टूटी नहीं है। सॉइल में लगाने के पहले सूखने से बचाने के लिए पौधों को पानी में रख दिया है। रूट्स पानी लेती रहेंगी, पत्तियां सूखेंगी नहीं, फ्रेश रहेंगी। एक पत्ती में रूट्स नहीं निकली थी। पत्ती को वापस सैंड में लगा दिया है। कुछ दिनों बाद रूट्स निकल सकती है। पत्तियों को सॉइल में लगाने के लिए 6 इंच ऊंचा मिट्टी का पॉट लिया है। सॉइल जो तैयार की है, नॉर्मल गार्डन सॉइल 50% ली है, 25% मोटी वाली रेत, 25% सड़ी हुई पत्तियों की खाद ली है। खाद के लिए काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ली जा सकती है। काउडंग कंपोस्ट लेना है, 1 या 2 साल पुरानी होनी चाहिए। फंगस लगने से बचाने के लिए 1 मुट्ठी नीम की खली मिलाई है। पान की पत्तियां खाने के काम में आती हैं, केमिकल फंगिसाइड नहीं मिलाया है। पॉट में पहले तैयार सॉइल डाली है। सॉइल आधे पॉट तक भरी है। पौधों को अब पॉट में लगाऊंगी। सॉइल में लगाने से पहले पौधों को पानी में रखा था। पानी में रखे पौधे 1 दिन बाद भी सॉइल में लगाए जा सकते हैं। सॉइल के ऊपर पौधों को रखा है। 4 पौधों को एक साथ एक ही पॉट में लगाऊंगी। पौधों को रखने के बाद ऊपर से सॉइल डाल दी है। पौधों को 2-2 इंच की दूरी पर लगाया है। लगाने के बाद रूट्स को हल्का सा दबा दिया है। पौधों को सेट करके सॉइल ऊपर तक भर दी है। पानी डालने के लिए पॉट में सॉइल के ऊपर 1/2 इंच जगह खाली रखी है। एक पत्ती जिसमें रूट्स नहीं निकली थी वापस सैंड में लगा दी है। पौधा लगाने के बाद सॉइल में पानी दिया है। पानी इतना दिया है, सॉइल सेट हो गई है। एक्स्ट्रा पानी नीचे होल में से निकल गया है। पॉट को छाया वाली जगह में रखा है। 2-3 दिन तक पौधों को धूप नहीं लगनी चाहिए। रोशनी और हवा मिलते रहना चाहिए। बारिश का मौसम है, पौधे लग जाएंगे, ग्रोथ जल्दी होने लगेगी। यहाँ बालकनी में बारिश के हल्के छींटे पड़ते रहते हैं। पौधों को तेज बारिश से बचाना चाहिए। कुछ दिनों बाद पौधे की रूट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, नई शूट्स निकलेंगी। शूट्स निकलने के बाद पत्तियाँ निकलने लगेंगी।
पुरानी पत्तियां सूखकर गिर जाएंगी, पौधे की ग्रोथ होने लगेगी, पान की बेल जल्दी ही तैयार हो जाएगी। 4-5 पत्तियां निकलने के बाद थोड़ा बड़ा होने पर पौधों को निकाल कर अलग अलग लगा दूंगी। पत्तियों को लगाकर पान की बेल आसानी से उगाई जा सकती है। पान की बेल लगाने के लिए पत्तियों से पौधा तैयार करने का तरीका अगर पसंद आया हो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही किसी नए फूल या पौधे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।